शना लाइफ में ऐसा बहुत काम टाइम होता है जब आमरा जैसा वेटरन के साथ एक यंग थिंग का आम इंटरव्यू करता है, मतलब उसका गेस करके बुलाता है क्योंकि इतना यंग अचीवर है कि आम जेलेसी से एकदम ब्लू हो गया है। ओह बाबा, एवरीबॉडी से हेलो टू मिथिला, हाउ आर यू मिथिला? हेलो, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम जस्ट एकदम चमक रहा है तुम्हारे साथ बैठ करके बाबा। आई एम शाइनिंग बिकॉज़ ऑफ यू, इट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन मी, इट्स बास्किंग इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी कर दिया। तुम साइंस का स्टूडेंट है लगता है। वो जो तुम सन मून ऐसे रिफ्लेक्ट करके डिफ्लेक्ट कर दिया, वाह हिल गया। सेल्फ इंट्रोड्यूस देगा। हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ मैन विद द गोल्डन गन, वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन, सिटिंग विद ए चाइल्ड प्रोडिजी, चाइल्ड ना माने चलेगा चलेगा, यंग प्रोडिजी। ये जो है ये इतना यंग है फिर भी इतना इंस्पिरेशनल है, इतना एस्पिरेशनल है, इतना हमारे लिए परस्पिरेशनल है, वाह मिथिला। मिथिला Welcome to Popcorn with Puppy. Thank you. First tell me, तुम साइंस किया फिर तुम परफॉर्मिंग आर्ट में कैसे घुसा? मैंने साइंस इसलिए किया क्योंकि थोड़ा पीयर प्रेशर था। वो कौन होता है? मेरे नाना जी वाज नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं साइंस करें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ओह अच्छा अच्छा, एंटरटेनमेंट। तो 10th स्टैंडर्ड में कुछ 89% मिला था, तो उनको लगा नहीं नहीं बस अभी तो साइंस ही करना है। 10th स्टैंडर्ड में कितना मिला? 89%, ज्यादा नहीं था। ना ना कंटिन्यू, गर्म लगछे। तो नाना जी ने कहा कि अभी ठीक है। और तभी क्या था ना कि साइंस वो ऐसे बिलीव था कि आप साइंस करोगे तो आपको आपके एवेन्यू ज्यादा होते हैं, आर्ट्स कॉमर्स करोगे तो बस यही कर सकते हो आप, तो तुम्हारा जनरेशन में, हमारा जनरेशन बोलता है सारा साल अगर नहीं दिखना है तो साइंस करो और सारा साल दिखना है तो आर्ट्स करो। तुम ऐसा तुम कब सोचा कि तुम एकदम WWW में ऐसा एंट्री मार के घुस जाए? मैंने एक्चुअली वो सोचा नहीं था, वो ऑर्गेनिकली हुआ। अनदर न्यू एज वर्ड ऑर्गेनिकली। हां, हमारे जमाने में आलू ऑर्गेनिक होता था। व्हाट? बट मैंने जब शुरुआत की टू ऑडिशन फुल टाइम एज एन एक्टर 2014 में हुआ है, और तभी आई ऑडिशन फॉर एनीथिंग दैट केम माय वे एक्चुअली। तो वो एड्स थी, फिल्म्स थी, आई थिंक आई आल्सो ऑडिशन फॉर अ कपल ऑफ इफ आई रिमेम्बर करेक्टली टेलीविजन शोज, और इंटरनेट पे एक मेरा जो फर्स्ट शो था न्यूज़ दर्शन नाम का, जो मैंने फिल्टर कॉपी नाम के एक चैनल के साथ किया था, उन्होंने भी मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। तो ध्रुव सहगल जिसके साथ मैं आज काम करती हूँ, उसने मेरा कास्टिंग किया था। आई वाज ऑलवेज ओपन टू एक्सपेरिमेंटिंग, मेरा कभी लिमिटेशन नहीं था इन टर्म्स ऑफ यही करना है, सिर्फ फिल्में ही करनी है, ऐसे कभी भी नहीं। और जो तुम स्टार्टिंग में जीवन का स्टार्टिंग में साइंस किया, देखो कितना एवेन्यू खुल गया। देखो पर्दा का साइज डज नॉट मैटर, बस एक्टिंग करके किधर भी पर्दा में घुस जाता है। वाह, तुम्हारा ये हिस्टोरिकल नाम का पीछे का हिस्ट्री क्या है? वो तो मेरी दो मासियां जो है उन्होंने डिसाइड किया कि यही नाम, दोनों ने एक साथ मिथिला डिसाइड किया। हां, उन्होंने मेरे बड़ी बहन का भी नाम डिसाइड किया, मेरा भी नाम। थैंक गॉड इट वाज नॉट तक्षशिला और नालंदा। आई एम रियली हैप्पी, रियली हैप्पी। इमेजिन दिस ब्यूटीफुल गर्ल कॉल्ड पाटलिपुत्र। जो अमेरिका में रहती है, या मेरी बहन, मेरी सगी बहन अमेरिका में रहती है, तो वो लोग जब बाहर लेके जाते थे वो चॉपस्टिक्स वहाँ पे ज्यादा, मतलब I really enjoyed the script and the character. क्योंकि character तो पहले कभी ऐसे play ही नहीं किया था, एकदम टाढ़ा हुआ, एकदम correct, और ऐसे तो हूँ भी नहीं मैं real life में। तो so far I've done roles mostly of like you know choppy bubbly girl next door वाले roles, जो मैं please don't get me wrong बहुत enjoy करती हूँ, लेकिन थोड़ा variety is a spice of life। But ये जो चार्पी बोला plus curly hair, আমরা কো ট্রুথফুলি বলো, হাউ মেনি হার্টস হ্যাভ ইউ ব্রোকেন, হোয়াট ইজ দ্য টোল কাউন্ট?
I don't know. Oh, wow, wow. I haven't counted. पीछा मुड़ के देखा नहीं. नहीं. आम ये भी सबको बताना चाहेगा. Very domestic girl. चॉपस्टिक के साथ ट्रेनिंग किया. काप के साथ भी ट्रेनिंग किया. आम तुम्हारे लिए काप लेकर आया है. Can you? और जे ना दारा. और you want बड़ा काप? Then you can take this. प्लास्टिक. No, I don't want बड़ा काप. आया देखो. Lovely plastic आ गया. आमारा production में everything है. It's very good. I don't know if it'll be loud enough, but I'm gonna try this. Okay. ही चाल तुरु तुरु उड़ती केस भुरु भुरु डाव्या डोळ्यावर बट ढळली जशी मावळत्या उन्हात केवड्याच्या बनात नागिण सळसळली. Hence, Praveen, woman is a multitasker. She was doing so many different activities and singing also at the same time. Cannot imagine how you did. कितना practice किया इसके लिए? तो मैं YouTube के videos देख रही थी. और अमेरिका में भी तो ये बच्चा लोग restaurant में सब TikTok करता है. Actually, so Pitch Perfect नाम के एक film में Anna Kendrick एक restaurant में ही ये कर रही थी. टूक करता है. हाँ, तो ये Anna Kendrick जो है, जिन्होंने ये original The Cup song जो गाया है, वो मैंने देखा और मुझे बड़ा मजेदार लगा ये रिदम. तो YouTube पे काफी सारे लोगों ने इसकी ट्यूटोरियल्स बनाए कि यू कैन लर्न हाउ टू. ट्यूटोरियल छोड़, इसका वीडियो देखो बाबा, 5 मिलियन. हम लोग बोलते ही हमारे को कैसा इधर ब्लड एकदम इधर उधर रश करता है. 5 मिलियन व्यू हो गया है इधर टुक टुक. तो मैंने वो सीखा और फिर तभी, दिस इज 2014 आई एम टॉकिंग अबाउट, और तभी ऐसे वन लेजी समर आफ्टरनून आई हैव like I try to learn it on YouTube and I sang this Frank Sinatra song called Can't Take My Eyes Off You. और वो मैंने ऐसे ए जरूर तुम आमारा को याद करके गाया होगा. करेक्ट. आम तुम्हारे इतना तारीफ, आई ए म्यूचुअल है. आम तुम्हारे इतना तारीफ किया. यू नाउ यू टेल मी, व्हाट इज इट अबाउट मी दैट यू फाइंड द मोस्ट अट्रैक्टिव? यू नो, नोबडी कैन टेक देयर आईज ऑफ यू ना, बिकॉज़ यू ग्लो ऑल द टाइम, यू शाइन. जस्ट शाइन एकदम वाले टोटल. मान भर गया और हमारा इतना बड़का काप भी भर गया. ठीक है. तो आप नेक्स्ट, आप तुम किसके साथ म्यूजिक बनेगा? प्लेट, कटलरी, व्हाट इट इज? जब बनाऊंगी तब पता चलेगा आपको. तो अभी तो म्यूजिक नहीं कर रहा है? अभी नहीं कर रहा. तो फिर क्या कर रहा है अभी? तो मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ. सिर्फ एक्टिंग? मतलब नॉट एक्टिंग, सिर्फ एक्टिंग, not singing or dancing, but karna chahungi. And the melody kidhar se aaya? Tum actually, I'll tell you, you are a talent ka supernova. And with the tail hota na, ota to comet hoye gelo. But eki bapar, but so much Bengali speaking, I'm loving it. If you want to speak like me, I have a very lovely tutorial. It's not on YouTube, but usme sab dekhta hai. I'm only going to tell you personally. Okay. Ata rasgulla lo, muh mein thuso, khana mat. Muh mein rakho aur Hindi bolo, bahar jo niklega wo Bengali hoga. Good tip. तो when you realize कि तुम एकदम कंठ कोकिला है, तुम एकदम lovely music करता क्या है? तो बचपन से मुझे ये शौक था. मैंने थोड़ी देर के लिए सीखने की भी कोशिश की, लेकिन because of school or timings or whatever, I couldn't continue. तो बहुत for a very little, it could probably have been 2-3 months that I learned music. देखो मिथिला, I now will reveal one secret. इसीलिए आम तुमको आज इधर बुलाए. Okay. गेलॉर्ड रेस्टोरेंट में इधर लाता दीदी भी आता था. Oh really? इधर LP आता था, बाजने वाला नहीं, बाजाने वाला, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वो भी आता था. वो इधर कप टी पीता था. You are only with cup, वो साथ में उनका टी भी होता था. चलो, there is some connection. तो आज तुम भी इधर है, टोटल म्यूजिक कनेक्शन. अभी जो मन कर रहा है, वन लाइन तुम कुछ गाने का मूड हो रहा है, तुम बोलो, तुम साफ-साफ कहता है, एकदम मराठी एकटा सॉन्ग हो जाए, एकदम क्रिस्प एंड क्रंची, बाहर बारिश हो रहा है तो क्रिस्प एंड क्रंची. मराठी गाना, मुझे हिंदी सूझ रहा है वो. माला मराठी माइते, हम ठीक बोला? अरे लर्न कर रहा है. चलो मैं हिंदी गाना गाती हूं. अच्छा, हिंदी करो. ओ मेरे हम सफर, प्यार की राह पर साथ चले हम, अगर क्या खबर, रास्ते में कहीं राह किया हम कहीं, तुम कहाँ? अरे हम तो यहाँ है. तुम कहाँ? मैं यहाँ.
लवली लवली आई एम कार्डिक बोला कंठ कोकिला ए दिस इज टैलेंट का सुपरनोवा आई कांट बिलीव आई फॉरगॉट द लिरिक्स दिस इज जस्ट ना ओ मेलोडी का जादू होता है तो कभी-कभी लिरिक्स का हाथ छूट जाता है आई अंडरस्टैंड ट्रू आर्टिस्ट विल अंडरस्टैंड अच्छा मिथिला आप तुम्हारा इतना सारा जो फैंस लुक का है उनको बोलो कि आप चॉपस्टिक के बाद आप व्हाट इज द नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट देयर इज एक्चुअली समथिंग आई एम वर्किंग ऑन बट आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट मैं अभी नहीं बता सकती लेकिन मेरा एक नाटक हो रहा है देख बहन नाम का कुकू क्लब बांद्रा में हो रहा है जुलाई में आप बोलेगा इसका फेस इसका हेयर अच्छे से देख लो टोटल टैलेंट का धमाका इतना यंग एज में एकदम फिल्म फेयर भी जीत लिया आम क्या बोलेगा बाबा मल्टीटास्कर एवरीथिंग के साथ म्यूजिक करता है लवली एक्टिंग करता है मिथिला हमारा तरफ से तुमको बहुत बहुत प्यार और आज जाने का पहले आई वांट टू गिव यू अ गिफ्ट सो दैट यू विल रिमेंबर मी फॉरएवर ऑफ कोर्स हमारा चश्मा इट कम्स विद माय गोल्डन बॉल्स यस लव इट ओह ड्रेस के साथ मैच कर रहा है लवली आई थिंक इट लुक्स बेटर ऑन मी ऑफ कोर्स इट डज कैन यू कैन आई विल जस्ट कीप इट यस शाइनी डिस्को बॉल एकदम शाइनी एकदम लवली आई फील लाइक वन उफ तुम हमारा साथ हमारा शो में आया पॉपकॉर्न का शोभा बढ़ाया हम पॉप होके कौन से दिया थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू वेरी मच इन द फ्यूचर थैंक यू एवरीबॉडी मिथिला